मेरे साथ सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने। ब्रिगेड साहब, अमरीका की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को ये सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई है, तो क्या अमरीका भारत पर पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि पिछले साल रूसी जो दिफाई निज़ाम है वो खरीदने पर अमरीका ने तुर्की पर भी पाबंदियाँ आयद की थी, आपको याद होगा। जी शुक्रिया फिजा मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले तो आपने मेरा नाम जो है वो गलत लिया। मेरा नाम जो है हारिस नवाब नहीं है, मेरा नाम हारिस नवाब है। और इसके पीछे का एक कारण है इस नाम का। जब मैं पाक फौज में था तो मुझसे जो बड़े अफसरान थे वो मुझे जब भी प्रमोशन चाहिए होता था तो मुझे भारतीय बॉर्डर पर ले जाते थे और मुझसे वहाँ पर मुजरा करवाते थे। मतलब कैन यू इमेजिन, मुजरा करवाते थे। तो मैंने दुखी होकर नाम जो है अपना हारिस नवाब रख लिया, और क्योंकि मुझे काफ़ी हरासा का सामना करना पड़ा। खैर, अब आते हैं आपके सवाल पे। और देखिए, अमेरिका का कोई भी दबाव जो है भारत जैसे ममालिक पे कोई काम नहीं आने वाला है। आप देखिए, अभी जो भी चल रहा है और अमेरिका ने और यूरोपियन ममालिक ने कितना ज़्यादा सेंक्शन लगाया रशिया पे, कितना दबाव बनाया, और इवन चाइना तक को जो है उन्होंने धमकी दे डाली। लेकिन भारत क्या कर रहा है, तो भारत उल्टा रूस से और ज़्यादा तेल खरीद रहा है। भारत शुरू से जो है एक अपने पैर पे खड़ा होकर चलने वाला मुल्क है। हमारे जैसा तो वो है नहीं कि इधर से भीख मिला उधर झुक जाओ, झुका दो सबको और वहाँ से, मतलब अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। तो देखिए फिजा, सीधा सा जवाब यही है कि अमेरिका कितना भी दबाव डाल दे भारत पे, उसका कोई भी दबाव काम नहीं आने वाला है। जी अच्छा ब्रिगेड साहब, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने जब 5 अरब 50 करोड़ डॉलर के 5 मिसाइल सिस्टम्स के लिए रूस से मुआहदे किए थे तो भारत ने अमेरिका को ये मैसेज दिया था कि भारत को चीन से खतरे के मुकाबले के लिए इस सिस्टम की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि चीन की दुश्मनी में अमेरिका साथ दे रहा है भारत के इकदाम का, चीन दुश्मनी में? देखो फीसा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना भारत से दिक्कत क्या है, भारत से परेशानी क्या है? आप इतना जो भारत भारत करते रहती हो एनी टाइम, आपको पता है कि कई ऐसे भारतीय यूट्यूबर हैं जो आपके वीडियो को अपलोड करते हैं, आपको बुरी तरह ट्रोल करते हैं, और ये तक कहते हैं कि चीखने चिल्लाने के समय भी आपके मुंह से जो है भारत का सब जो है वो बाहर आता है। बड़ा हरामी हो बेटा। अब पता नहीं उन्होंने देखा है या मैंने, तो मुझे नहीं पता। लेकिन यार थोड़ा सा कम करो इस चीज़ को। देखो भारत हमसे बहुत आगे है। जहाँ तक आप बात कर रहे हो S-400 की, तो वो एक अव्वल नंबर का एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो किसी भी तरह का जो मिसाइल हो, एयर थ्रेट हो, उसको मार गिराने में सक्षम है। तो हमारे जैसे गरीब और चाइनीज़ वाले इक्विपमेंट वाले और गरीबी वाले मुल्क के लिए S-400 का दरकार है ही नहीं। उन्होंने उतने समय से कभी S-400 लगाए ही नहीं। उनके लिए जो उनके पास जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमारे लिए तो काफ़ी हैं। उन्होंने जाहिर सी बात है उन्होंने चाइना के लिए खरीदा है। अब आप खुद देख लो, बालाकोट वो आ गए, 80 किलोमीटर अंदर बम गिरा दिया, वापस चले गए। क्या उखाड़ लिया हम लोगों ने? नहीं, मतलब आने के टाइम पे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ था हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद अभी हाल ही का वाक्य आप ले लो, तो उन्होंने मिसाइल डाल दिया हमारे ऊपर में, 2 दिन के बाद हमें खबर मिली। ठीक है। और जिस तरह का सवाल तुमने पूछा है, मुझे तो शक लग रहा है कि तुम्हारा जो डॉक्टर का डिग्री है वो भी कहीं जाली तो नहीं है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है चीन के लिए है। और अमेरिका इसमें पूरा भारत का समर्थन है, भारत को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन मिला हुआ है उसको अमेरिका का भारत को। जी अच्छा ब्रिगेड साहब, आगे चलते हैं। भारत में ना कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें भारत की जो हिंदू इंतहा पसंद जमाते हैं उनके 3 रोज़ा इज्तमा में नफरत अंगेज तकारीर और उनमें अकलियतों के खात्मे, खुसूसन जो 20 करोड़ आबादी की हामिल मुस्लिम अकलियत है उसको बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में जो इंतहा पसंद जमाते हैं उनके रहनुमाओं का हवाला देकर बाकायदा बताया गया है कि जी मुल्क में ये जो नफरत अंगेज तकारीर है इसका एक और सिलसिला हालिया इज्तमा में देखा गया है। तो क्या कहेंगे आपके, ये मोदी सरकार जब तक रहेगी अकलियतों के साथ यही होता रहेगा, उनकी जिंदगी खतरे में रहेंगी? फिजा देखो, अब तुमने ये मौजू छेड़ ही दिया है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, और ये सलाह ये है कि भारत में रह रहे मुसलमानों के बारे में हम बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, कम से कम भारत में जो महिलाएं रह रही हैं, कम से कम वो अपनी आवाज़ तो बुलंद कर रही हैं। जो वहाँ की मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ से परेशानी है तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। इतनी आज़ादी तो कम से कम भारत में मुस्लिम महिलाओं को मिला है। अब हमारे इधर की तुम बातें तुम करती नहीं हो। कल हमारे इधर क्या हुआ शायद तुम्हें पता ना हो, कल हमारे मुल्क में एक हिंदू लड़की जिसका नाम पूजा कुमारी है उसको मार दिया गया क्योंकि उसने निकाह करने से इनकार कर दिया था। हमारे इधर में जो हिंदू बरादरी है उनकी बात हम करते नहीं हैं, और हम मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उसकी बात यहाँ पर हम बैठ के कर रहे हैं। 14% से 1% रह गए हैं, और तुम्हें पता है वो 1% क्यों है?
एक बजट इसलिए है क्योंकि घर में झाड़ू पोछा करना हो, नाली साफ करना हो, सेक्स रैकेट चलाना हो, उस काम के लिए हम लोगों ने 1% छोड़ दिया है। नहीं तो हम 1% कन्वर्ट करने में टाइम कितना लगेगा। तो फिजा, ये जो दोगली बातें करती हो ये मत करो, और सलाह मेरी मान लो कि भारत में रह रहे मुसलमानों के ऊपर बात मैं तब करूँगा जब तुम कम से कम उस हिंदू लड़की के ऊपर एक प्रोग्राम करोगे अपने चैनल में, जो हिंदू बरादरी के साथ जो यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, हम जो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर लो, उसके बाद मुझसे तुम इस मौजू के ऊपर बात करना। और कुछ तुम्हारा बाकी रह गया है तो बोलो। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, लंदन के बाद मुझे देखता लो। रख रख तेरी मां की रख।